नमस्कार, आज मैं बनाने वाली हूँ पुआ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पुआ बनाने के लिए कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता है। तो एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, यहाँ पे मैंने चीनी ली है, तो यहाँ पे आधा कटोरी मैंने चीनी लिया है, 2 चम्मच मैदा लिया है और 2 चम्मच सूजी का इस्तेमाल किया है, और मैंने 1 गिलास पानी लिया है। बाकी हम जो सामग्री है वो बाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आटा डाल लेंगे। आटा का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है, गेहूं का आटा है। इसके बाद मैं मैदा डाल देती हूँ, मैंने मैदा का बहुत कम इस्तेमाल किया है। सूजी डाल देंगे। अगर आपके पास बारीक वाला सूजी नहीं है तो आप सूजी को, मोटी वाली सूजी को मिक्सी के जार में डाल करके पीस लें, उससे बारीक हो जाता है। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर तैयार करेंगे। मैंने इसमें पानी का भी इस्तेमाल किया है फ्रेंड, आप चाहें तो केवल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, दूध में बाद में डालूँगी। पहले हम इसका घोल तैयार करेंगे। ये पुआ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और जितना पुआ को फेटेंगे उतना पुआ आपका सॉफ्ट और फूला फूला बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। और इसका हम गाढ़ा बैटर बना करके तैयार करेंगे। अगर मेरे तरीके से पुआ बनाएंगे फ्रेंड, तो आप इस होली बहुत ही बढ़िया पुआ बना करके तैयार करने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए बैटर तैयार हो गया और थोड़ा सा 4 चम्मच पानी जो है बच गया है, और इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप जितना मीठा आपको पसंद हो उतना आप डाल दें, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। तो इसको अच्छे से फेंट लेना है, और आप चाहें तो इसे रात भर भी रख सकते हैं या 7 से 8 घंटा इसे रेस्ट पर छोड़ दें, तभी आपका पुआ जो है फूला फूला और मुलायम बन के तैयार होगा। तो मैं इसे रात भर रखने वाली हूँ, तो इसे ढक करके रात भर रख देते हैं। और ये देखिए 1 रात के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा फूल करके तैयार हो गया है। तो अब बाकी की चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/2 गिलास दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसका हम घोल तैयार कर लेंगे। और इसे देखिए लगातार चलाते हुए हमें फेंटना है। ये देखिए एकदम कितना फूल गया है। तो पुआ जब भी बनाएं रात में आप इसे फेंट करके रख दें। और देखिए इसमें भी 2-3 चम्मच दूध जो है बच गया है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें किशमिश। आप इसमें अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है इलायची, इसको दरदरा जो है कूट लिया है। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे हैं कितना फ्लफी हो गया है, फेंटने से ही पता चल रहा है। फेंटना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, जितना फेंटेंगे पुआ को उतना बढ़िया पुआ बन के तैयार होगा। तो ये देखिए बैटर जो है रेडी हो गया है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ एक बार। ये देखिए न ज़्यादा गाढ़ा है न पतला है, ये आसानी से जब हम इस तरह डाल रहे हैं तो गिर रहा है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तेल कि तेल गर्म है कि नहीं, हमें हल्का तेल गर्म चाहिए। अब पुआ को डाल देते हैं। तो पुआ कढ़ाई में डालते समय फ्रेंड आप एक ही बार बैटर लें और उसको एक साथ गिराएं। देखिए ये देखिए पुआ बन करके तैयार होने लगा है, ये फूलने लगा है, और देखिए कितना बढ़िया पुआ बना हुआ है। तो एक ही साथ इस तरह कढ़ाई में डालेंगे पुआ तो बहुत ही फूला फूला बनेगा। तो थोड़ा सा हम तेल जो है गरम गरम तेल इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और ये देखिए पुआ बनाने का एकदम सही तरीका है फ्रेंड, तो इसे ज़रूर ट्राई करें इस होली, और कमेंट में हमें बताएं कि आप कोई पुआ की रेसिपी कैसी लगी। इसे पलट देती हूँ और ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, दोनों तरफ से फूल गया है पुआ। ये देखिए तो इसी तरह से बाकी पुआ बना करके तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए एक ही साथ में बैटर को डालना है। ये देखिए ये भी पुआ फूल गया। पुआ तो सभी लोग बनाते हैं फ्रेंड, बहुत लोग की शिकायत रहती है कि पुआ नहीं बन पाता है अच्छा,
तो इस तरीके से पुआ बनाएंगे तो आपका पुआ भी फूला फूला बनेगा एकदम गुब्बारे की तरह। ये देखिए और पुआ जब भी तलने तो इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलें। तो ये देखिए ये भी पुआ बिल्कुल तैयार हो गया है और थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा सोख लेता है पुए में, तो इसे थोड़ा सा टेढ़ा करके दबा दें ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है बाहर निकल आए। तो ये लीजिए सारा पुआ जो है बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है पुआ, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो इसे इस होली आप ज़रूर ट्राई करें आज।